भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 10वीं विषय गणित दिनांक 6/8/2020। कक्षा 10वीं में आज अध्याय 3 लेंगे। दो अध्याय पर पूरे कर चुके हैं, पहला और दूसरा। आज नया अध्याय शुरू करेंगे, 3 बहुपद। बहुपद में पकड़ लेंगे बहुपद के शून्य की ज्ञात करना और जांच करना। इसकी जांच करना है वो भी बताएंगे। अब सबसे पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। संख्यात्मक और बीजांक के संयोजन से बने पद बहुपद कहलाते हैं। संख्यांक और बीजांकों के संयोग से बने पद बने व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। संख्यांक और बीजांक के संयोजन से, संयोजन होता है जोड़, बाकी, गुणा, भाग से बने व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। आप कक्षा 9 में अपन पढ़ चुके हैं एक चर वाली बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बहुपद की घात कितनी बहुपद का घात होता है? बहुपद की घात तो देखो यह है चर के लिए बहुपद एफ एक्स में एक्स की उच्चतम घात उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर के लिए बहुपद एफ एक्स में एक्स की उच्चतम घात, अब चर एक्स भी हो सकता है, चर वाई भी हो सकता है, चर और कुछ और कोई भी हो सकता है, तो चर के लिए बहुपद एफ एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात, यानी चर एक्स पर अधिकतम किसी भी पद में अधिकतम घात कितनी है उतनी ही घात वाला वह बहुपद कहलाता है। अब इसमें चर पर अधिकतम घात एक होती है, अधिकतम घात एक है, तो रेखिक बहुपद कहलाता है। चर पर अधिकतम घात दो है तो द्विघात बहुपद कहलाता है। चर पर अधिकतम घात तीन है तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? बहुपद में चर की घात अधिकतम जितनी होती है उतनी घात वाला वह बहुपद कहलाता है। ये तो बहुपद की घात और बहुपद के बारे में होगा। अब अपन इसमें पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे।
वैसे तीन घात का भी आएगा, चार घात का भी आएगा, पांच घात की भी आता है, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे वो द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो द्विघात बहुपद जो ये अधिकतम घात है क्या, तो रेखीय बहुपद कहलाता है। तो एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी सर्वपद अधिकतम घात जो है तो द्विघात बहुपद, ये एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चरपद अधिकतम घात तीन है तो एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये द्विघात बहुपद हो गया। ये इनके मानक रूप है, रेखीय बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का मानक रूप, इस कारण बहुपद की घात ज्ञात करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। अब बहुपद के शून्य, अब आता है बहुपद के शून्य, बहुपद का शून्य। शून्य क्या होता है, शून्य करने वाला अंग शून्य कहलाता है। तो अब बहुपद के शून्य किसे कहते हैं, बहुपद में चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, वे मान बहुपद के शून्य कहलाते हैं। वे मान बहुपद के शून्य कहलाते हैं, बहुपद में चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, वे मान बहुपद के शून्य कहलाते हैं। अब किसी बहुपद में कितने शून्य को होंगे, बहुपद में बहुपद के शून्य को संख्या, शून्यकों की संख्या, किसी बहुपद के कितने शून्य होंगे, अधिकतम जितनी घात वाला बहुपद होता है उतनी ही शून्यक बहुपद के होते हैं। बहुपद की घात जितनी होती है उतनी ही उस बहुपद के शून्य होते हैं। समझिए क्या, बहुपद की अधिकतम घात जितनी है, जितनी घात का बहुपद होता है उतनी ही शून्य उस बहुपद के होते हैं। जैसे देखो रैखिक बहुपद एफ एक्स ए एक्स प्लस बी में शून्य घात कितनी है, एक। चर की घात कितनी है, एक। चर की घात एक है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। फिर द्विघात बहुपद
एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में चर की घात कितनी है? चर पे घात कितनी है? एकदम दो घात वाला चर है, दो घात वाला बहुपद है, इसलिए इसमें चिन्ह कितने होंगे? शून्यकों की संख्या होगी दो। त्रिघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में चर की घात कितनी है? तीन। अतः शून्यकों की संख्या तीन होगी। अर्थात इसका मतलब यह है कि बहुपद जितनी घात वाला बहुपद होता है, पहले चर के ऊपर जितनी घात होती है उतनी घात का बहुपद कहलाता है, और जितनी घात का बहुपद है उतने ही उसके शून्य के होते हैं। इस प्रकार अपन शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। इसका अपन शून्यकों की संख्या याद कर सकते हैं। अब अपन इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आपको ग्रह कार्य क्या करना है, जो मैंने ये समझाया है उसको ग्रह कार्य में जो समझाया है आपको परिभाषाएं समझाई है, आपको उदाहरण देकर के ये जांच करनी है कि कौन सा बहुपद कितनी घात वाला बहुपद है और उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये आपको गृह कार्य करना है।